राधे राधे दोस्तों दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन है उसको पुश करिएगा जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों आज मैं जगन्नाथ स्वामी जी की बारे में बात करूंगी। मैंने पहले भी कई वीडियो जगन्नाथ जी स्वामी की बनाई हैं तो उसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज फिर मैं दूसरी जगन्नाथ जी की व्रत की कथा की वीडियो बना रही है। कथा दूसरी है, वो दूसरी तीसरी कई कथाएं हैं जो मैं आपको दूंगी। और ये जगन्नाथ जी का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये भी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, ज़रूर से आप देखिएगा। आज भी मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बदलाऊँगी, आखिरी तक ज़रूर से वीडियो देखिएगा। चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी की बारे में बात करते हैं। कहते हैं देश भर में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने पिछले सभी अवतारों के गुणों के साथ भगवान विष्णु के अवतार ही हैं। कारण है कि उन्हें बहुत मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है। भगवान जगन्नाथ अक्सर विभिन्न अवसरों पर भगवान कृष्ण, नरसिंह और भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र है और उनकी बहन सुभद्रा को सबसे प्रसिद्ध मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। यही कारण है कि जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में बहुत बड़े पैमाने पर उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। जगन्नाथ जी का सोमवार कब मनाना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। ये व्रत को तिसवा सोमवार के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र मास के सभी सोमवार को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत उन्हीं लोगों के घरों में किया जाता है जिनके घर का कोई भी सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा कर आ चुका हो। इस व्रत में टेसु के पुष्प और कुसुम के फूल से पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को तिसवा या टिसुआ सोमवार व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि टेसु के फूल से पूजा की जाती है इसलिए टिसुआ टिसुआ सोमवार व्रत कहा जाता है। वैसे तो ये जो सोमवार हैं चार सोमवार कर होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आखिरी सोमवार ही करते हैं। आषाढ़ मास की शुरुआत में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। इस महीने में भगवान जगन्नाथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। व्रत चैत मास में किया जाता है, जो जगन्नाथ जी का जो व्रत होता है ना वो चैत मास में किया जाता है। और जगन्नाथ जी का व्रत कथा भी कही जाती है। जब जगन्नाथ जी के व्रत आप करें तो कुछ नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। जैसे व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान जगन्नाथ को फूलों का हार चढ़ाएं और घी का दिया जलाकर भगवान की पूजा करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ जी की आरती और भगवान जी का व्रत कथा करें। जब तक आप अपना उपवास नहीं तोड़ते तब तक आपको अनाज खाने की अनुमति नहीं। जब आप उपवास शाम के समय वही जो आप जिस चीज़ का भोग लगाते हैं वही शाम को खाएं। इस व्रत में उनको करने से पहले व्यक्ति को अपने मन को शुद्धि कर लेनी चाहिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं जगन्नाथ जी का व्रत और जगन्नाथ जी की व्रत कथा। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की शुद्ध मन से पूजा भगवान जी का व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य के रास्ते में आने वाली किसी भी तरह की बाधा को आसानी से दूर किया जा सकता है। कथा इस प्रकार है, मैंने कथा पहले भी एक आपको वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप उसको भी ज़रूर से सुन लीजिएगा। एक कर्मा भाई नाम की महिला थी। वह महिला जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। वह महिला सुबह उठकर बिना नहाए धोए भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती और अपने हाथों से भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। ये काम वह प्रतिदिन दोहराती थी। सुबह उठकर सबसे पहले जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और उनको खिलाती। इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। एक समय की बात है कि एक बार एक साधु महाराज उसके घर पर पधारे और कर्मा भाई से कहने लगे कि हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कर्मा भाई ने सोचा कि साधु महाराज हमारे द्वार पर पधारे हैं, उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। कर्मा भाई ने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उनको भोजन कराने लगी। कर्मा भाई ने साधु महाराज को भोजन कराने के बाद साधु महाराज को रात्र में विश्राम करने के लिए रोक लिया था। सुबह जब कर्मा भाई बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी, तब खिचड़ी बनाने के बाद उस साधु ने कर्मा भाई से पूछा, ये खिचड़ी किसके लिए बना रही हो? तो कर्मा भाई ने कहा, ये खिचड़ी तो जगन्नाथ भगवान के लिए बना रही हूँ। साधु ने कहा कि तुम ऐसा मत करो,
बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। साधु ने कहा, तुम अपने नियम बदलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसा ही करना, सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान जगन्नाथ जी का भोजन बनाना। दूसरे दिन कर्माबाई ने साधु महाराज की बात को मानकर ऐसा ही किया, लेकिन नियमों के हिसाब से चलते हुए कर्माबाई की खिचड़ी बनाने में देरी हो गई। दोपहर के खाने के समय कर्माबाई ने जगन्नाथपुरी भगवान को खिचड़ी खिलाई थी, और जब जगन्नाथपुरी भगवान खिचड़ी खा ही रहे थे, तब उनका दोपहर के भोजन का समय हो गया था। वह खिचड़ी खाने के बाद बिना पानी पिए मंदिर में चले गए थे। तब भक्तों ने देखा, पंडित जी ने देखा कि जगन्नाथ भगवान के मुंह पर खिचड़ी लग रही है, तो लोगों ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। जगन्नाथ भगवान ने पूरी कहानी बताई, और साधु ने जब पूरी कहानी सुनी तो साधु को बड़ा दुख हुआ। वह साधु कर्माबाई के पास पहुंचा और कर्माबाई से क्षमा मांगी। इस तरह से आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ भगवान के लिए सुबह बाल अवस्था में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे उनको ज़रूर से ये बाल भोग की खिचड़ी खाने को मिलती है, उनसे ज़रूर से पूछिएगा। और ये है जगन्नाथ जी की दूसरी व्रत कथा। चैत मास में आने वाले चारों सोमवार को तिसवा सोमवार कहते हैं। इस सोमवार को भगवान जगन्नाथ की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से की जाती है, तीसरे सोमवार को पंचामृत तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग तीसरे सोमवार को भी कच्चा सामान और पंचामृत से भी भोग लगाते हैं, और चौथे सोमवार को तो सभी पकवानों से भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। अधिकतर लोग चौथा ही सोमवार करते हैं। इसके पश्चात पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में कई पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भगवान भी जगन्नाथ के दरबार में उनके सुख के लिए मन्नत मांगेंगे। कहते हैं सुदामा जी की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथ के बाहर एक ब्राह्मण के भेष में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा, तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा तो भगवान के भक्त थे। सुदामा आग के गोले में प्रवेश होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख को दूर करने की प्रार्थना की, तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक वेद देकर कहा कि जिसे ये वेद मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते हैं तब से चैत मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्तिपूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते हैं और उनके वेद खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जब भी जगन्नाथ जी की पूजा करें तो बेतों की भी पूजा करें, और जब पूजा हो जाए तो उन बेतों को पांच पांच बार सभी को मारना चाहिए, जिससे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये थी जगन्नाथ भगवान की व्रत कथा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने एक वीडियो डाली है, जो मैंने पूरी पूजा करते हुए श्री जगन्नाथ जी की पूजा करते हुए वीडियो डाली है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान की पूजा हम कैसे करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री जगन्नाथ स्वामी करके कमेंट लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।